बहुत बड़ा वीडियो बन गया है और एडिट करने में बहुत टाइम लगने वाला है, पर आपको क्या है, आप लोग तो सब्सक्राइब करेंगे नहीं। ये वीडियो की शुरुआत मैंने ऐसा इसलिए की है कि आज की जो रेमेडी है वो भी इसी तरह से आपसे सार्कास्टिक टोन में बात कर सकता है, मस्ती मजाक कर सकता है, जेस्टिंग, मॉकिंग, ये सारे रूब्रिक्स में आपको लेक्सेस मिलेगी। और मैंने जो समझा है, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने ऑलरेडी देखे होंगे लेक्सेस के बारे में, ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, बट मेरी जो समझ है वो ये है कि लेक्सेस इज फुल ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, बिल्कुल एसिड्स के ऑपोजिट स्टेट है यहाँ पे। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली मेडिसिंस में से आई थिंक है लेकेसिस, और क्लिनिक पे आएगा तो ये एनर्जी आपको दिखेगी। मेरी एक पेशेंट है 84 ईयर्स की, उनका काफ़ी समय से मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, तो वो अभी भी 84 ईयर्स के होने के बावजूद भी पूरा क्रिकेट वगैरह फॉलो करती हैं। स्पोर्ट्स, क्रिकेट ही नहीं, वो जो फुटबॉल कोई लीग आती है उसको फॉलो करती है, रात में जो लेट नाइट आता है वो पूरे स्टैट्स वगैरह उनको सब कुछ याद है, बहुत पैशनेट होके वो स्पोर्ट्स को फॉलो करती है इस एज में भी, और क्लिनिक पर आकर भी वही एनर्जी है। तो पैशनेट बहुत है, एनर्जाइज्ड फीलिंग के अंदर है, आर्डेंट है। आर्डेंट का मतलब होता है ना, बहुत पैशन के साथ में एकदम दिल लगा के कुछ करना, तो उसके अंदर है। और क्लिनिक पे जब आएगा तो वो एनर्जी लेके आता है, आपसे मस्ती मजाक करेगा और बहुत लाइटनेस, यू नो, सीरियसनेस उतना नहीं रहेगा, तो वो फ्रिवलस वगैरह में भी है। मेरे एक पेशेंट आते थे, वो आके, अरे डॉक्टर साहब आप यहीं प्रैक्टिस करते हैं कि कहीं और भी जाते हैं? नहीं, दिस इज माई क्लिनिक। अरे आप क्या यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ना कोई कंपनी अपनी ज्वाइन कर लो डॉक्टर साहब। तो कुछ भी सलाह देना ऐसे रैंडमली, कुछ भी कहीं का कुछ भी टॉपिक, और बोलते ही जाना। ये लोकवेसिटी आप सभी लेकेसिस कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक लेकेसिस का जो सब टाइप है, जो कि काफ़ी अनकॉमन आप कह सकते हैं, जहाँ पे ये लोकवेसिटी नहीं भी मिलती है, जहाँ पे लेकेसिस थोड़ा सा सीरियस स्टेट में भी आ सकता है, जिसको पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। फिलिप बेली ने अपनी किताब में ये बताया है कि लेकेसिस इज लाइक अ कॉइल्ड सर्पेंट। उसके जो जो कॉइल्ड सर्पेंट है उसके अंदर एनर्जी होती है, कुंडलिनी एनर्जी, विच इज़ ऑफ अ सेक्शुअल नेचर, और लेकेसिस है भी हाईली सेक्शुअलाइज्ड। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मोस्टली ऑफ अ सेक्शुअल नेचर, और ये एनर्जी को कोई ना कोई आउटलेट चाहिए, तो इसलिए, और वो आउटलेट में अगर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन होगा ना, जैसे कि अगर कुछ टाइट कॉलर है या कुछ ऐसा उसने बांध लिया, तो वो जो आउटलेट है, जो बोलना है उसका, जो लोकेशियस है, वो उसका स्टॉप हो जाएगा, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है टाइट क्लोथिंग से, वेस्ट में, बेल्ट वगैरह में, तो कहीं पर भी कुछ टाइटनेस उसको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो आउटलेट, जो नेचुरल आउटलेट है बॉडी के, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और बहुत मस्ती मजाक का जो हमने बात किया, तो वो पार्टी करने वाले लोग हैं, रेवलरी के अंदर है, फीस्टिंग और ये गोरमांड के अंदर है, कि बहुत खाने वाना तरह तरह का पसंद होता है। और लेकेसिस जो है ना, वो उसको आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो लिबर्टिनिज्म के अंदर है। उसके एडिक्शंस होते हैं बहुत तरह के, एल्कोहल से रिलेटेड हो सकता है, कॉफ़ी से रिलेटेड हो सकता है, लेकेसिस को कॉफ़ी बड़ा पसंद है। और अगर आपने जैसे उसको बोला कि थोड़ा कॉफ़ी वगैरह आपको छोड़ना पड़ेगा ट्रीटमेंट के दौरान में, कई पेशेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आप कहते हैं ऐसा, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे क्या बात कर दिया डॉक्टर साहब ने, कॉफ़ी छोड़ना पड़ेगा। मतलब उसके लिए वो एडिक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर देन। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो कि मतलब किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड रहते हैं सालों से, कई लोग ऐसे कुछ लेग्जेटिव, कुछ चूरन वूरन ले रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन और भी हो सकते हैं, जैसे कैल्केरिया भी ऐसा हो सकता है, हायोसाइनस भी ऐसा हो सकता है, जिसको बहुत टाइम से कोई ना कोई एक चीज़ का सपोर्ट है। हाँ,
लेकिन लेकेसिस के केस में इट्स मोर लाइक एन एडिक्शन, और वो उसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उसकी लिबर्टी है उसमें, वो जो चाह रहा है वो उसको करना है। और ये जो हमने जेस्टिंग वेस्टिंग की बात करी, उसके साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है उसका एम्यूजमेंट डिज़ायर। एम्यूजमेंट क्या होता है कि कुछ मस्ती करना है, वो क्लिनिक पे आएगा, जैसे बच्चा भी है तो वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा और कुछ ना कुछ खेलेगा, वो प्लेफुल है और कुछ एम्यूजमेंट का डिज़ायर है, चेहरे पे एक शरारती मुस्कान रहेगी। हाँ मतलब किसी को ऐसा नहीं है कि नुकसान पहुंचाएगा, बट उसको कुछ ना कुछ मस्ती चाहिए, मस्ती खोज लेता है। एक मेरी पेशेंट एक थी जिनको क्या हील पेन लग गया था, तो उनका वो हील पेन कैल्केरिया वगैरह दिया और भी रेमेडीज दी, वो हील पेन नहीं सही हो रहा था। तो क्या हुआ कि एक दिन जब वो आए नेक्स्ट टाइम, मैंने बोला कैसे हैं आप, तो नहीं सर वैसे ही है, अरे पता नहीं ज़्यादा आराम तो मिल नहीं रहा डॉक्टर साहब। तो मैंने थोड़ा पास हिस्ट्री वगैरह पूछा, मैंने बोला आपको कभी कोई और समस्या रही कुछ रहा, नहीं नहीं हम डॉक्टर के पास तो जाते ही नहीं ज़्यादा। तो आई सेड कि क्यों, मतलब कभी आप बीमार वीमार नहीं पड़े कभी? तो अरे डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि बीमार वगैरह तो पड़ते भी है ना, तो ऐसे ही दवा ववा लेके खा लेते हैं, क्योंकि क्या है ना डॉक्टर के पास जाने से हमें बड़ा डर लगता है डॉक्टर साहब। वो मतलब ना मतलब आपका सुना कि आप ऐसे होम्योपैथी वगैरह दवाई देते हैं, इसलिए हम उनके साथ आ गए, उनके एक रिलेटिव थी जो ऑलरेडी मेरी पेशेंट थी, तो वरना तो हम नहीं जाते डॉक्टर साहब, बड़ा डर लगता है, ये अभी वैक्सीन वगैरह लग रही है इससे भी हमें बड़ा डर लगता है। तो उनको जब सैनिटाइज़र वगैरह दिया था मैंने हाथ पे मेडिसिन खिलाने से पहले, तो बोलती है अरे सर इसकी तो ना स्मेल आती है, और बोल के वो हंस गई जैसे कि मेरे से थोड़ा सा जोक मारा हो वो सैनिटाइज़र को लेके, कि अरे सर इससे तो स्मेल आती है सर। ये आर्सेनिक, मैंने आर्सेनिक में भी एक ऐसे ही केस बताया था, बट वहाँ पर उसको सेंसिटिवनेस था ऑर्डर को लेके, यहाँ वो मुझसे जोक कर रही है। और बड़ी खुश हो के मतलब उसने ये बात बोली, और उसका अगेन वो फियर ऑफ सफरिंग दिख गया कि उसको इंजेक्शन से डर लगता है, ये लगता है फियर ऑफ पेन के अंदर आप देखेंगे कंप्लीट रेपर्टरी में तो आपको लेकेसिस दिखेगी, तो उसको ये इन चीज़ों से थोड़ा सा डर लगता है लेकेसिस को। तो इसीलिए आप और रेमेडीज़ भी सोच सकते हैं, पर मेरे दिमाग में और भी फॉस्फोरस और स्ट्रामोनिमिक, एक डॉक्टर के पास जाने से डर है क्या क्या है, लेकिन बाद में समझ में आया और उनके ओवरऑल नेचर को देखते हुए जब लेकेसिस दिया तो उनको अच्छा आराम आ गया। और क्यूरियस बहुत रहते हैं क्लिनिक पर आके कई लोग, एक मेरे पेशेंट हैं जो हेमरॉइड्स के लिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, अभी कुछ टाइम पहले ही बंद हुआ है, वो मुझसे हमेशा आके क्या लगता है डॉक्टर साहब क्या होगा, कुछ होगा डॉक्टर साहब? तो क्या है ना कि क्यूरियस है और मतलब स्पाई भी थोड़ा करते हैं कि अच्छा होम्योपैथी में ये इस चीज़ का इलाज होता है डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब, ऐसा किस लिए होता है डॉक्टर साहब? तो कई तरह का, अच्छा ये जेनेटिक भी होता है क्या, ये चीज़ ऐसा भी होता है क्या? तो स्पाइंग एवरीथिंग है वो एकदम जासूस की तरह, ये भी वो भी। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप रिप्लाई करेंगे तो वो हो सकता है पूरा सुन ही ले, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो चेंज भी करता है तुरंत, उसके उसका लोकेशियस नेचर होता है ना एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करने का। हाँ तो हो सकता है आपका पूरा जवाब ना सुने, थोड़ा सा सुन ले पर पूरा ना सुने। और एक रूब्रिक है इसके अंदर की कंप्लेनिंग लाउड, कई पेशेंट आके बहुत मतलब अपनी कंप्लेंट बताएंगे एकदम तेज आवाज में जोर से, अरे डॉक्टर साहब प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो एक तो नॉइस इंक्लिनेशन है, लेकिन नॉइस इंक्लिनेशन में नॉइस का मतलब क्या होता है कि नॉइस एक होता है कि आवाज करना, जस्ट शोर करना। यहाँ पे कंप्लेनिंग लाउड कि वो अपनी कंप्लेंट बता रहा है बहुत लाउडली। दो ही दवाइयाँ हैं इसके अंदर, लेकेसिस इज वन ऑफ दैट।
और मैग्नेटाइज डिजायर में है तो बहुत सारे लेगेसिस पेशेंट ना आपके पास आके और बड़ा क्लोजली बैठते हैं, आप एक बार उनको देख लो, टच कर लो। एक एक मेरी एक पेशेंट ऐसे ही आती थी, उनको एरिएटा था, तो वो देखिए डॉक्टर साहब कुछ आराम लग रहा है क्या, आप एक बार टॉर्च जला के देखो जरा, थोड़ा सा थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा टच करके देखिए जरा, इसमें रूट्स दिख रही हैं क्या बालों की, थोड़ा सा महसूस करें। तो मैग्नेटाइज डिजायर में है तो आप फॉस्फोरस से कंपैरिजन कर सकते हैं। थोड़ा सा अंतर ये है, फॉस्फोरस के साथ में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ऐसे केसेस में, तो अंतर ये है कि जो फॉस्फोरस है ना वो हिपोक्रिसी में है, लेकसिस नहीं है। मतलब फॉस्फोरस कुछ चीज़ है जो वो कर रहा है, मतलब उसका एक्शन कुछ और होता है और वो आपसे कहेगा कुछ और, लेकिन लेकसिस कैसा नहीं है। लेकसिस का ना जो मन में आया वो कर दिया एकदम, वो एनर्जी जो था वो तुरंत आउटलेट चाहिए, वो तुरंत एक्शन हो जाना है, वो कर देगा। हिपोक्रेसी के अंदर लेकसिस नहीं है, लेकिन लेकसिस डिसीटफुल में है। लेकसिस आपसे झूठ बोल सकता है, आपको गुमराह थोड़ा सा कर सकता है। नेकेड वॉन्ट्स टू बी में जो है वो फॉस्फोरस है लेकिन लेकसिस नहीं है। तो जैसे फॉस्फोरस को कोई सफरिंग होती है तो वो भले ही आपके पास आके ऐसे करके बताएगा, लेकिन फॉस्फोरस को मान लीजिए अगर कुछ कुछ किसी इंटीमेट एरिया पे या किसी ऐसी जगह पे है कुछ कोई प्रॉब्लम तो तुरंत दिखा देता है। लेकसिस यूजुअली दे हाइड, दे डू नॉट शो इट। उसको भले ही ढीला क्लोथिंग वगैरह पसंद है लेकिन नेकेडनेस नहीं है फॉस्फोरस के जैसे। तो यहाँ से थोड़ा सा आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर अगेन वो जेलसी वगैरह जो है वो लेकसिस में बहुत ज़्यादा है, इतनी जेलसी है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था मेरे पास रोजेसिए का, एक टीनेजर का। तो उसका रोजेसिए जो है वो इतना बहुत भयानक था, और वो अक्सर तब होता था व्हेन हर ब्रदर यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम द हॉस्टल टू द हाउस। एंड तो उसको क्या था, धीरे धीरे मुझे समझ में आया, स्टार्टिंग आई गेम इट ड्रम एंड ऑल दैट, बट उससे कोई रिलीफ नहीं आ रहा था। पर धीरे धीरे उससे बात करने से ये समझ में आया दैट शी वॉज वेरी जेलस ऑफ हर ब्रदर, क्योंकि सारा लाड़ प्यार और जो अटेंशन था वो उसको मिलता था। तो शी वॉज वेरी वेरी जेलस, और तभी उसके वो रोजेसिए बढ़ जाते थे। कंजेशंस के केसेस में ऐसे अर्टिकेरिया, रोजेसिए, एक्ने रोजेसिए, इन सब केसेस में लेकसिस बड़ी अच्छी यूज होती है अगर पेशेंट का पूरा डिस्पोजिशन मिल रहा है तो। तो लेकसिस जब उसको प्रिस्क्राइब किया ना तो उसका वो बहुत इम्प्रूव हुआ, बहुत तेजी से इम्प्रूव हुआ। एक और एक एल्डर लेडी में भी मैंने एक ऐसे ही देखा था जिनको अगेन उनको एक्ने रोजेसिए थे, बिल्कुल रेड हो जाते थे वो, और जब उनको वो हमेशा हंसते रहते थे क्लिनिक पे आके, तो मुझे लगता था कि क्या पता नेटर मेट्रम है क्या। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया उनकी हंसी में ना एक अम्यूजमेंट रहती थी, एक उनको मज़ा लेने की आदत होती थी। वो क्लिनिक पे बैठ के जैसे उनके हस्बैंड आते थे तो वो सामने मेरे सामने ही वो उनसे मजाक कर लेती थी कुछ, या मुझसे भी कभी मजाक कर लिया। तो अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ना तो लेकसिस को आप वो जो मस्ती मजाक करेगा वो उससे मूड बड़ा लाइट हो जाता है। लेकिन उससे अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा नहीं है तो आपको बुरा भी लग सकता है, क्योंकि लेकसिस आप पे टॉन्टिंग, मॉकिंग, इस तरह की चीज़ें भी कई बार कर सकते हैं। एक मेरे पेशेंट आते थे, वो मुझसे एक बार क्या हुआ कि रिटर्न करने के लिए चेंज नहीं था, तो ऐसा दो तीन बार हुआ कि मेरे पास चेंज नहीं था उनको रिटर्न करने के लिए। तो थर्ड टाइम ही सेड कि मैं ऑनलाइन कर देता हूँ उसे, चेंज तो होगा नहीं आपके पास, तो ऐसे हाँ हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की ये जो था ना, ये इस तरह का के स्टेटमेंट उसके रहते हैं थोड़े से जेस्टिंग वेस्टिंग वाले, और ये आपको ग्रेस्प करना पड़ेगा बातचीत में। देखिए पेशेंट क्या बोलता है ये ज़रूरी है, बट वो कैसे बोलता है ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अच्छा, जेलसी की हम बात कर रहे थे, तो ये जेलसी
लेकेसिस की बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है, एक्सट्रीम केस तक भी जा सकती है। उसके अंदर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है कि उसको फिर ऐसा लगने लगता है कि उसके फ्रेंड्स ही उसको इंजरी करेंगे, उसकी मदर जो है वो उसके अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रहे हैं, तो या उसका जो हस्बैंड है वही उसका मर्डर कर देगा। इस तरह का सस्पिशियसनेस, इस तरह का पैरानोया उसके अंदर लेकेसिस के अंदर डेवलप हो जाता है। ये लेकेसिस के एक्सट्रीम स्टेट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं, और इसीलिए फिर लेकेसिस है ना बड़ा मतलब उसमें चले जाता है, उसको हर तरफ मतलब कुछ ना कुछ डाउट होते रहता है, सस्पिशियस होते रहता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट करके एक रूबरिक, उसमें एक ही दवा है, जस्ट लाइक ए स्नेक। स्नेक जैसे बिल्कुल अलर्ट हो जाता है जरा सी आवाज आवाज पे कि एकदम सर्वाइवल के लिए तैयार है वो अटैक करने के लिए। हायोसाइमस से बड़ी क्लोज रेमेडी होती है, क्योंकि दोनों के अंदर वो डेल्यूजन ऑफ बींग रॉन्ग सफर्ड, ऑफ बींग इंजर्ड, और इस तरह की चीज़ें दोनों के अंदर है। लेकिन अंतर ये है कि लेकेसिस थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। हायोसाइमस के बारे में जब बात करेंगे तब और जानेंगे। हायोसाइमस जैसे क्लिनिक पे आएगा ना तो वो थोड़ा सा मतलब उसके बिहेवियर थोड़ा सा फूलिश ज़्यादा रहता है। वो रॉन्ग सफर्ड और ये सबसे मतलब पहले का जो धोखा उसने खाया है और उससे वो अब अलर्ट मोड पे तो है, लेकिन साथ ही साथ में वो बहुत ज़्यादा घबराता है और फूलिश एक्शन कुछ करता है। वो 10 बार आपसे एक ही सवाल पूछेगा, ऐसे ऐसे चीज़ें करेगा जिससे मतलब थोड़ा सा वो हास्यास्पद हो जाता है कि हंसी आ जाएगी उस पर। लेकेसिस ऐसा नहीं करता है, लेकेसिस थोड़ा सा अलर्ट ज़्यादा रहता है, उस वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट ज़्यादा है हायोसाइनस से, तो उसका ऐसा फूलिश बिहेवियर नहीं होता है। बट हाँ, उसके अंदर आपको लक्वेसिटी और ये सब ज़्यादा मिलेगी। लाइकोपोडियम से बहुत कंपैरिजन आप कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल प्लेन पे दोनों रेमेडी काफ़ी कई बार क्लोजली रनिंग आती है। बट कुछ चीज़ें हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगेन जेलेसी है, लक्वेसिटी दोनों में है, लाइकोपोडियम में भी है लेकेसिस में है, लेकिन लेकेसिस का जो लक्वेसिटी है उसमें उतना बोस्टिंग नहीं होता है, बल्कि उसका जंपिंग अराउंड ज़्यादा होता है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में। लाइकोपोडियम में बोस्टिंग बहुत होता है, खुद को लेके खूब बोस्ट करता है लाइकोपोडियम, लेकिन लेकेसिस में इतना नहीं है। एवरीस जो है, जो कंजूसी वगैरह, वो आपको ज़्यादा दिखेगी। मैंने लेकेसिस में अभी तक ये तो ऑब्जर्व नहीं किया है कि लेकेसिस कभी पैसे को लेके आपसे कुछ बहसबाजी करेगा या आपका कभी पैसा ना दे, ऐसा नहीं होता है अक्सर लेकेसिस में। और अगर आपने लेकेसिस को ठीक कर दिया तो लेकेसिस बहुत स्ट्रांगली आपसे जुड़ता है। फिर आपके ऊपर बिल्कुल एकदम आप जैसा बोलेंगे, जैसे आप दवाई देंगे, अच्छे से दवाई देता है, क्योंकि वो फिर चार्म्ड में है कि चार्म हो जाता है एक बार आपसे, तो फिर वो कैन नॉट ब्रेक दिस स्पेल। हाँ, लेकिन आपको उसको फ़ायदा देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे बार बार ऐसा पूछ सकता है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक होऊंगा कि नहीं। बट एक बार अगर आपने उसको रिलीफ दे दिया तो ही विल बी पेशेंट फॉर यू, विल बिकम योर पेशेंट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जो जेलेसी की हम बात कर रहे थे, तो लेकेसिस इस जेलस होने की वजह से वो स्लैंडर कर सकता है, डिनाउंस कर सकता है किसी को, मतलब किसी के बारे में कुछ उसकी पीठ के पीछे बोल सकता है। और लेकेसिस जो है वो कई सारे मतलब चीज़ें प्लान कर सकता है कि मैं मतलब जेलसी में आके, जैसे कॉम्पिटिटिवनेस के उसमें आके कि एक सिबलिंग मेरे से अच्छा कर रहा है, मेरा भाई जो है वो अच्छा कर रहा है, मेरी बहन उससे बहुत अच्छा कर रही है, तो वो प्लान करता है कि मैं भी है ना ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और कई सारी चीज़ें ले भी लेता है, काम ये काम भी ले लेगा, वो भी ये प्रोजेक्ट भी ले लेगा, लेकिन परसीवर नहीं कर पाता जल्दी, ये परसिस्ट नहीं कर पाता है लेकेसिस। उसमें एनर्जी बहुत है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि जेलसी में आके वो जब ऐसा करने की कोशिश करता है तो सब चीज़ें नहीं कर पाता वो, सभी किसी एक चीज़ में भी फोकस नहीं कर पाता है लेकेसिस। इसीलिए उसके अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटी भी नहीं है। अगर आप आर्टिस्टिक इनएबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड में नहीं है लेकेसिस, इनएबिलिटी में है, तो आर्टिस्टिक नहीं होता लेकेसिस। लेकिन अगर लेकेसिस फोकस करे प्रॉपर, अपनी एनर्जी को फोकस जब कर लेता है और
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को फोकस करके ध्यान लगा के अपना पूरा पैशन, वो जो उसका आर्डेंट नेचर है वो करता है, तो लेकेसिस फिर फिलोसफिकल एबिलिटी में है, मैथमेटिक्स एबिलिटी के अंदर है, तो वो ये चीज़ें कर सकता है लेकेसिस। इसके अलावा थोड़ा सा पैथोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज में कई तरह के हेमरॉइड्स हैं, अल्सर हैं, फिशर हैं, इन केसेस में भी लेकेसिस का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। थ्रोट के केसेस में एक मेरी एक पेशेंट थी जिनको मतलब उनके घरेलू बहुत सारे इश्यूज थे कि उनके मतलब मैरिज से उनको काफ़ी प्रॉब्लम था, दुख था, और सास ससुर को लेके वगैरह। तो मैं उनको कई तरह की दवाइयाँ पहले दिया, मैंने नेट्रम दिया, CPR वगैरह दिया, तो रिलीफ नहीं आता था। तो एक बार उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ये ना मेरा थ्रोट जो है, ये थ्रोट में पता नहीं क्या है, एकदम कुछ प्रॉब्लम सी लगती है, एक खराश सी रहती है, एक अजीब सा कुछ फंसा सा रहता है। और मैंने बहुत दिखा लिया डॉक्टर साहब, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब करा लिया, पर रिलीफ नहीं आता है डॉक्टर साहब। तो मैंने एलोपैथ्स का भी प्रिस्क्रिप्शन देखा, तो उन्होंने जस्ट मल्टीविटामिन वगैरह ये सब दे रखा था। तो उन्होंने मतलब उसको एज अ कन्वर्जन डिसऑर्डर या हिस्टीरिया मान के कि वो एक जनरल ऐसे टॉनिक वगैरह दे रहे थे। उनका पूरा अटेंशन थ्रोट पे था। तो जब उनका पूरा मैंने पिक्चर समझा तो समझ में आया कि नो शी इज लेकेसिस। और लेकेसिस के केसेस में जैसे जैसे फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम का फोकस जो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है, वैसे ही जो लेकेसिस है उसका बहुत फोकस अपने थ्रोट के ऊपर होता है। बहुत सारी थ्रोट पैथोलॉजीज में जहाँ पे इवन सीवियर पैथोलॉजीज में लाइक कैंसर ऑफ थ्रोट के अंदर आप देखेंगे, या TB जो है लैरिंग्स का, या फेरिंजियल अगर ट्यूबरक्लोसिस है, उन केसेस में आपको लेकेसिस का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। कोई ना कोई थ्रोट अफेक्शन होना चाहिए। एक मेरे पेशेंट आते हैं जो कि काफ़ी ओल्ड हैं, अराउंड 60-65 के, एंड ही सेड कि यू नो डॉक्टर आई लाइक टू सिंग, यू नो देयर इज अ ऐप ऑन विच आई लाइक टू सिंग एंड आई लाइक टू मेक वीडियोस ऑन दैट। तो कुछ ऐसा करो कि ये जो थ्रोट है ना, ये मेरा सही रहे डॉक्टर साहब, मैं बहुत ट्रीटमेंट और वो गरारे वरारे सब करता हूँ, बट कुछ ऐसा करिए कि इसमें मेरे को आराम है ये थ्रोट। सो आई यूज टू गिव हिम लेकेसिस एंड उससे बहुत उनको फ़ायदा रहता था। अच्छा, लेकेसिस का एक और भी क्वालिटी है जो आप लोग बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि फॉपिश हम जो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कुछ टैटू दिख जाएगा और कुछ ड्रेसिंग सेंस ऐसा होता है। फॉपिश को अगर आप ढंग से समझेंगे ना तो स्टाइलिश एक टर्म आप उसको जोड़ सकते हैं कि स्टाइलिश टर्म से लेकेसिस इंडिविजुअल विल लुक स्टाइलिश, चाहे कोई भी सेक्स के हों, बहुत अच्छा एलिगेंटली ड्रेस होते हैं, नेकेडनेस नहीं होता लेकिन ड्रेस बहुत एलिगेंटली होते हैं और बहुत स्टाइलिश तरीके से, कोई हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा सा रहेगा, ओवर नहीं करते। जैसे मेकअप भी करेंगे तो मेकअप उनका आपको देख के लगेगा अरे वाह कितना अच्छा ब्यूटीफुल लुक है, स्टाइलिश है, कुछ टैटू वगैरह भी दिख सकता है। ओवर मेकअप जो है एक्स्ट्रा ट्राई करने वाले उसमें आप देखेंगे तो वहाँ लाइकोपोडियम है, वहाँ लेकेसिस नहीं है। इससे भी आप काफ़ी आइडिया लगा सकते हैं उन केसेस में जहाँ पे लेकेसिस इतना लोकेशियस नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं लेकेसिस के जहाँ पे वो थोड़े से इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, कम बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप उनके इस स्टाइलिंग सेंस को देख के आप पहचान सकते हैं। लेकेसिस का अक्सर जो टैटू वगैरह होगा ना वो आपको दिखेगा या कुछ ऐसे पार्ट पे रहेगा जहाँ जो थोड़े सेंशुअल एरियाज होते हैं लाइक नेक अराउंड समथिंग लाइक दैट, और दिखेगा आपको। नेट्रम म्यूर वगैरह में भी उनके अंदर भी ये टैटू वगैरह का रहता है, लेकिन वहाँ पर आपको टैटू यूजुअली दिखता नहीं है, वो कुछ कुछ हिडन एरिया में रहेगा या अंडर द क्लोथ्स रहेगा। सो दिस वॉज अ वीडियो ऑन लेकेसिस, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बड़ी एनकरेजमेंट मिलेगी। और कुछ और अगर आप बताना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं।
पूछें, कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो कुछ सजेशन दीजिए, और अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो और लोगों के साथ शेयर भी करिए. सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय.